सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 96 माइनस 37। 96 में 9 टेंस है और 6 वंस है। 37 में 3 टेंस है और 7 वंस है। सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे हम 1 से। 6 छोटा नंबर है 7 से, तो 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ जो टेंस है उससे 110 बोरो कर लेंगे। तो 9 टेंस में से हम 110 बोरो कर लेंगे, तो पीछे बचेंगे 8 टेंस, और 110 जो हमने बोरो किया वो यहां 6 के पास आ जाएगा। तो ये 110 जो हमने बोरो किया और 6 वंस बन जाएगा 16। अब हम 16 में से 7 माइनस करेंगे। 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। अब 9 टेंस यहां पे कट गया था और 8 टेंस रह गया था, तो अब हम 8 टेंस में से 3 टेंस को माइनस करेंगे। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो 96 माइनस 37 इज इक्वल टू 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 74 माइनस 48। सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे हम 1 से। 4 छोटा नंबर है 8 से, तो 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 4 के साथ वाले टेंस से 110 बोरो कर लेंगे। 7 टेंस में से 110 जब निकल जाएगा तो यहां बचेंगे 6 टेंस, और 110 जो हमने बोरो किया वो यहां आ जाएगा 4 के पास। तो 110 जो हमने बोरो किया और 4 वंस, ये बन जाएंगे 1414। अब 1414 में से 8 माइनस करेंगे। 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। अब 7 टेंस कट हो गया था और पीछे बचे थे 6 टेंस, तो 6 टेंस में से हम 4 टेंस को माइनस करेंगे। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सो 74 माइनस 48 इज इक्वल टू 26। नाउ फर्स्ट इज 54 माइनस 27। इन 54 4 इज वंस, 5 इज टेंस। इन 27 7 इज वंस एंड 2 इज टेंस। नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वंस कॉलम, एंड इन वंस कॉलम अपर नंबर इज 4 वंस एंड द लोअर नंबर इज 7 वंस, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। देन व्हाट वी विल डू, वी विल बोरो 1 टेन फ्रॉम दिस 5 टेंस, एंड व्हेन वी बोरो 1 टेन फ्रॉम दिस 5 टेंस इट बिकम 4, बिकॉज 5 टेंस माइनस 1 टेन इज इक्वल टू 4, एंड हियर इन वंस कॉलम 1 टेन इज इक्वल टू 10 एंड 10 प्लस 4 इज 14, सो we write here 14 ones. Now 14 minus 7 is equal to 7 ones. And here in tens column 4 minus 2 is equal to 2 tens. So 2 tens and 7 ones makes 27. Okay, the answer is 27. Now next we take 16 minus 25. In 60, 0 is 1s, 6 is 10s. In 25, 5 is 1s and 2 is 10s. And now we again start subtraction from 1s column. The upper number is 0 and the lower number is 5. So subtraction is not possible. We cannot subtract 5 1s from 0 1s. Then we borrow 1 tens from this 6 tens. Okay. And when we borrow 1 ten from this 6 ten, it becomes 5 tens. And here 10 plus 0 is equal to 10 ones. Now 10 minus 5 is equal to 5. And 5 minus 2 is equal to 3. Now 3 tens, 5 ones makes 35,
And now 60 minus 25 is equal to 35. So I hope you understood subtraction of two digits number with borrowing.